ओम शुद्ध स्फटिक संकाशाम नाना अलंकार भूषिताम मंजीरहार केयूर रत्न कुंडल मंडिताम। अर्थात देवी अनुरागिणी हर प्रकार के फल सुख ऐश्वर्य भोग एवं हर प्रकार के सुख प्रदान करने वाली है और हर प्रकार के दुखों को दूर करके साधक को उन ऊंचाइयों उन उन्नति तरक्की तक पहुंचाती है जिसकी कल्पना साधक या कोई हर व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। हमारे शास्त्रों में तंत्र शास्त्र के अंतर्गत मधुमति अनुरागिणी का स्थान सर्वोपरि है। यह देविणी यक्षिणी और योगिनी के रूप में सिद्ध होती है। हालांकि अलग अलग तंत्रों में योगिनी और यक्षिणी नाम से निर्दिष्ट किया गया है, तदापि यह एक ही है, बशर्ते इसको सही तरीके से अपने गुरु के मार्गदर्शन में सिद्ध किया जाना आवश्यक है। क्योंकि बिना किसी सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन के देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है और विशेष रूप से एकांत कक्ष में अपने घर के एकांत कक्ष में ही साधक को साधना करनी चाहिए। मधुमति योगिनी की साधना 21 दिन की मानी जाती है और इस साधना के अंतर्गत लाल पीला सफेद ऊनी आसन एकांत कक्ष एक बाजोट और पूजा के पंच पात्र इत्यादि आवश्यक होते हैं और अपने सामने मधुमति का मंत्र से सिद्ध यंत्र तांबे का स्थापित करें, उसके पास में गुटिका स्थापित करें। तत्पश्चात इनका पंचोपचार पूजन करने के पश्चात में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके पश्चात देवी का ध्यान करके आवाहन किया जाता है और इस प्रकार से आवाहन करने के पश्चात में व्यक्ति अपने अभीष्ट मंत्र का जप करें और नित्य ही इसी प्रकार से पंचपात्र की मदद से वह प्राणायाम न्यास संकल्प और पवित्रीकरण इत्यादि करें और मंत्र जप की समाप्ति के पश्चात अपने आसन को समेट कर यथास्थान रखें और अपनी साधना सामग्री को उचित स्थान पर रखें। इस प्रकार से नित्य 21 दिन तक साधना करने पर साधना के अंतिम हफ्ते अवश्य ही देवी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। कुछ साधकों को कुछ दिन ज़्यादा लग जाते हैं, बशर्ते यह कई बार देखा गया है कि इन्हीं दिनों की तुलना में जल्दी ये सफलता इसमें हासिल होती है। सर्वप्रथम पवित्रीकरण करना चाहिए। अपने बाएं हाथ में जल लें और दाएं हाथ की बीच की दो उंगलियों से अपने कानों शरीर के सर के ऊपर अपने वस्त्रों पर जल छिड़कना चाहिए। तत्पश्चात 3 बार जल का आचमन करना चाहिए, यानी कि तांबे के चम्मच से ही 3 बार आचमन करें। केशवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से 3 बार आचमन करने के पश्चात अपनी शिखा का बंधन करें। शिखा नहीं है तो शिखा के स्थान पर हाथ रख करके शिखा बंधन का मंत्र बोले। ओम मानस्तो के तने मान आयु की मानो गोकु मानो अश्वेक उरी रिखा मानो वीरान रुद्र भामिनो वधीरे हविक मंत्र सदमे तवा हवा महे। इस प्रकार से इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात में प्राणायाम करें। प्राणायाम ओमकार या ह्रीम बीज से करें और उसके पश्चात में भगवान गणेश का पूजन करें। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम सचि पुरंदराभ्याम नमः, ओम वाणी हृणगर्भाभ्याम नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इस प्रकार से अपने भगवान गणेश जी का पूजन करें, उनसे आज्ञा लें। तत्पश्चात से भगवान शिव के मंत्र का जप करें, शिव का ध्यान करें। ओम ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिमम चारुचंद्रावदंसम रत्नाकल्पो ज्वलांगम परशुमुखवराभीत्यस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात स्तुतमुमर गणेम व्याघ्रगतिम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिलभैरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्र। पंचवक्त्र भगवान शिव का ध्यान करने के पश्चात में माँ गौरी का ध्यान करें। ओम अम्बे अम्बिकम्बालिके निमानयति कश्चन ससिद्धश्वगजभद्रिगांगां पीलवासिनीम। इस प्रकार से अंबिका का ध्यान करने के पश्चात ही मंत्र जप आरंभ करना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि साधन काल के अंतर्गत शुद्ध घी का दीपक हमेशा प्रज्वलित रहना चाहिए। एकांत स्थान हो, आपका मुख उत्तर या पूर्व की तरफ हो और किसी प्रकार का विघ्न उसके दौरान ना हो और नियमित रूप से
मंत्र जप करना चाहिए। साधन काल के दौरान अपने वस्त्र जो मंत्र जप के दौरान धारण किए जाते हैं उनको हमेशा पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। अपना पीताम्बर, धोती, अंगवस्त्र इत्यादि एक निश्चित स्थान पर साफ और स्वच्छ करके रखा जाना चाहिए और उन्हीं का ही हमेशा स्नान करने के पश्चात में उपयोग किया जाना चाहिए। और साधक को चाहिए कि वह झूठ ना बोले, किसी की निंदा ना करे, चोरी ना करे, किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य साधना के दिनों में ना करे, अन्यथा सिद्धि में रुकावट आ सकती है। और सदाचार से रहें, सभी से मीठे स्वर में ही बातचीत करें, किसी से वाद विवाद ना करें। इस प्रकार से जो व्यक्ति 21 दिन तक यह अनुष्ठान करता है अवश्य ही उसे अर्धरात्रि की वेला में देवी के सुंदर स्वरूप के दर्शन का साक्षात्कार मिलता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि बड़ी गोपनीय रहस्यमय साधना है और इसके सिद्ध हो जाने के बाद में कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भी व्यक्ति हासिल ना कर सके, बशर्ते इसे पूर्ण तरीके से सिद्ध करें। तत्पश्चात उसके आगे का क्रम अपने गुरु की आज्ञा अनुसार ही करें। इस बात का ध्यान रहे कि कई साधक सिद्धि के पश्चात अभिमानवश अपने गुरु को अपने वचनों के द्वारा अपना अभिमान प्रकट करते हैं, तो इस प्रकार के वाक्य अपने गुरु से कभी ना बोले, क्योंकि ऐसा अभिमान सिद्धि के पश्चात करने से सिद्धि और साधना और साधक इन तीनों का पतन हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि जिसने सिखाया है, जिसने ज्ञान दिया है, हमेशा ताउम्र उसका सम्मान हर परिस्थिति में करना आवश्यक होता है। और विशेष रूप से साधन सामग्री अपने गुरु से ही दीक्षित की गई प्राप्त करनी चाहिए और उसके पश्चात में ही मंत्र जप किया जाना चाहिए।